जी ने अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में पंच क्रांति की घोषणा करी थी। करी ना? कौन सी पंच क्रांति? शिक्षा क्रांति, रोजगार क्रांति, आवास क्रांति, महिला सशक्तिकरण क्रांति, सभी के सम्मान की क्रांति। ये क्रांति उनको 18 साल बाद याद आई। 18 साल बाद इनको बहने याद आई। चुनाव 5 महीने दूर है और ये सब बातें इनको आज याद आने लग गई। पर मध्य प्रदेश में 18 साल से जो 5 क्रांति चला रहे हैं उसको बताना भी जरूरी है। लूट क्रांति, झूठ क्रांति, फूट क्रांति, ढूंढ क्रांति, घूट क्रांति, ये 18 साल का इनका इतिहास है। आज जनता को ये हिसाब भी दे पा रहे कि इन्होंने 18 साल में क्या किया। विजय यात्रा निकाली 160 विधानसभा में, इस विजय यात्रा का विरोध हुआ 160। ये तो मीडिया में आया। आज खातेगांव जो पिछड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और शिवराज जी रोज लगातार कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। ये केवल घोषणा की मशीन नहीं है, ये तो झूठ की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले हुए। ये महाराज शिवराज झूठ के महाराज, ये हमारे शिवराज हैं। पहले तो कहते थे, लगातार कहते रहे, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो विधानसभा में आंकड़े दिए, खुद दिए उन्होंने कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तब इन्होंने कहा कि संबल योजना बंद कर दी, अब विधानसभा में इन्होंने कहना पड़ा नहीं बंद नहीं हुई। पर जिस कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो ये झूठ नहीं बोलते। 2215 महीनों में घोटालों की बात देखिए, 215 घोटाले केवल हमारे पेपर में लीक होते, एग्जाम के पेपर में लीक होते, स्कूल भी लीक होते हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? मध्य प्रदेश का कैसा सत्यानाश किया है, हमारे किसानों का सत्यानाश, हमारे युवाओं का सत्यानाश, हमारे निवेश का सत्यानाश, हमारे पोषण का सत्यानाश, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का सत्यानाश, नर्मदा का सत्यानाश, गौ वंश का सत्यानाश, ये इनके सत्यानाश का इतिहास है। तो मैं चाहूंगा अब आप कुछ पूछना चाहें तो मेरे से पूछ ले। देखिए, इसमें कांग्रेस किस तरह से लेती है ये प्रश्न नहीं है, हमारे देश की जनता किस तरह से लेती है। आज इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये 3 लोग कौन थे, अलग अलग जगह से आए हो, ये हथियार 8-10 लाख रुपए के होते, ये हथियार इनको किसने दिए, ये इंक्वायरी में बात आ जाएगी सब सामने। तो अभी हमें इंक्वायरी की इंतजार करनी चाहिए, सब बात सामने आए। आज ये प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, आज देश की जनता पूछ रही है कि पहली दफा टेलीविजन में आपने देखा हत्या होती है, टेलीविजन में देखा, और 3 लोग अलग अलग जगह से आए हुए हथियार लेके, तो ये कौन थे, क्यों आए, हथियार कहाँ से आए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इनको लाडली बहन 18 साल तक ये नहीं नजर आया, और ये बुलेट ट्रेन की बात कभी करते हैं, अब तो महंगाई की बुलेट ट्रेन चल रही है। ये सब बात आज के दिन मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश के मतदाता सब समझ रहे हैं, उनके सामने भी प्रदेश की तस्वीर है, ये आज कोई छिपी बात नहीं है। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये मत सोचिएगा कि इतना परिवर्तन मैंने राजनीति में देखा है कि 10 साल पहले की तुलना करें आप 5 साल पहले की तुलना करें। तो मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर हम मुझे पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश
का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, किसी उम्मीदवार का नहीं चुनाव, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। सर, पिछले आपकी सरकार बनी थी, विधायक बिके, क्या इस बार आपकी सरकार प्रमुखता से बन पाएगी? देखिए, हमारी सरकार मजबूती से बनेगी। ये मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि मैं घोषणा करूँ इतनी सीटें आएंगी। वो शिवराज सिंह कहते हैं कितने पार, फलाना पार, इतने पार, ये शिवराज सिंह से आप पूछिएगा, इसका जवाब दे देंगे। सर, बड़े बड़े मुद्दे पे कांग्रेस यहाँ पे विधानसभा से बड़े बड़े मुद्दे पे मौन रहती है। माने मतलब यहाँ बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसमें मौन रहती है कांग्रेस विधानसभा। देखिए, भ्रष्टाचार में तो मध्य प्रदेश नंबर वन है, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन है, और शिवराज जी कह रहे हैं प्यारी बहन का योजना ला रहे हैं। देश भर में ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ? हमारे आदिवासियों पर, हमारे कमजोर वर्ग पर, हमारे महिलाओं पर। मध्य प्रदेश नंबर वन है, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये दिखाएंगी आपको 40 लाख की जो रजिस्टर हुए हैं। आज के दिन तो नौजवान रजिस्टर भी नहीं होना चाहता। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने मध्य प्रदेश में नौजवानों के भविष्य की। दिग्विजय सिंह जी ने सागर में बयान दिया कि बीजेपी की ओर से 7 कैंडिडेट्स सीएम की शपथ लेने के लिए सूट सिलवा के तैयार है, तो क्या और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार और शपथ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मैं कोई सूट नहीं सिलवाता। हाँ, मैं मेरा लक्ष्य नहीं है मुख्यमंत्री बनना, मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना। बताइए दोस्तों, न्यूज टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।